हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरे शर्मा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पार्ट नंबर सेकंड। जैसा कि आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, साथ ही साथ मैंने आपको इस पर कुछ कंसेप्ट बताए थे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उसके बारे में 1 से 2 मिनट मैं आपको पूरा पार्ट वन का एक तरह से सार समझा दूंगा, जिससे कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट भी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरुआत करी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें कि हम लोग जो है फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि कहां से अराइजिंग होते हैं, स्टैटिक चार्ज से। और स्टैटिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक मींस एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे चार्जेस हैं, ठीक है, वो हमारे रेस्ट में ना रहे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या सीखा था कि हमारे जो चार्जेस हैं वो किस में होते हैं, रेस्ट में। तो अगर आपसे कभी भी डिफरेंस पूछा जाए या फिर आपसे कोई भी पूछ ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या अंतर होता है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस हमारे मूवेबल नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज हमारे मूवेबल होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की आपको डिफिनेशन मैंने बताई थी, ठीक है, कि भाई इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसके बाद मैंने आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में बता दिया था, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को मेरी बहुत ही मतलब अच्छे तरीके जानना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। अब हम लोग पार्ट नंबर सेकंड को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसमें सबसे हेडिंग पढ़ेंगे कि भाई बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। कि भाई आपने जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़े, ठीक है, जैसे आप कोई भी आप उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े, मान लीजिए चार्ज पढ़ा हमने या कंडक्टर पढ़ा हमने या इंसुलेटर पढ़ा हमने या डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस पढ़ा हमने, तो भाई उसकी कोई बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषताएं, क्वालिटीज, कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो भाई चार्जेस है तो चार्जेस की 3 प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको पहले से बता दूं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम इसे यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इसमें यहां पर आ जाएगा आपका एडी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर रुकिए यहां पर सेकंड वाला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी आपको सब इसका मीनिंग भी बताएंगे कैसे नहीं होते क्या है। इसके बाद आपका मिलेगा आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का कैसे कंजर्व रहना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और तीसरा आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा भाई, अगर हम चार्ज, अगर हम इसमें बारे में आपको मैंने बताया था कि चार्ज हमारा बेसिकली सीधे सीधे क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या फिर रिपल्शन, ठीक है। चार्ज का हमारा सीधा सीधा मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये सीधा सीधा चार्ज की इंट्रिंसिक अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, कि जो कि क्या बताती है हमें कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। तो ये हमें चार्ज सिखाता है, ठीक है। और मैंने आपको ये सब भी बता दिया था कि भाई हमें कैसे पता लगता है कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल होते हैं, तो ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ने बताया था, ठीक है। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पता होना चाहिए कि भाई सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमें कौन बताता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसे अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें लिखवा भी दूंगा। अब अगर हम इसमें पहले पार्ट की बात करें, ठीक है, पहले पार्ट इसका जो है इसमें हम लिखेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस या एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक, कि भाई चार्ज की एडिटिविटी। अच्छा, अगर हम इस वर्ड को तोड़े तो एड मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है। किसका एडिशन, चार्ज का एडिशन। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत बेसिक सा समझ में आ गया है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम यहां पर एक मान लेते हैं कि हमारे पास एन चार्जेस है, कितने चार्जेस है बेटा, एन चार्जेस है, और चार्ज को आपको बता दिया गया था कि चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहां पे मैंने आपको अभी बिल्कुल डिफिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, पहले हम समझा दें कि क्या कहना चाहते हैं कि भाई एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब चार्जेस का एडिशन होना। भाई ये तो हमें पता नहीं कितने चार्जेस हैं, तो हमने एन चार्जेस मान लिए हैं, ठीक है, तो भाई
ये हम ऐसे करके इसे लिख देंगे q1 plus q2 plus q n dot 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 and so on plus का qn। तो भाई अगर हमारे सिस्टम में n चार्जेस हैं तो भाई ठीक है हमारे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस, इसको मैंने ऐसे लिख के बता दिया है। अगर हम इनका टोटल सम निकाल दें तो भाई इनका टोटल सम क्या होगा, इन सभी चार्जेस के अल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, सिस्टम कंटेन्स एन चार्जेस दैट इज q1 q2 q3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, देन द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये आपकी एक बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। बोर्ड एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग अगर पेपर सीधा सीधा आसान सा बन जाता है, जैसे आपका सेट वन अगर आपके हाथ में आ जाता है तो आपको सीधे सीधे भाई वो पेपर एग्जाम वाले पूछ लेते हैं कि मतलब राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये तो मतलब सीधे सीधे पूछा जाता है। बाकी हम आपको इस वीडियो में एक बार फिर से बता देते हैं कि मैंने साथ ही साथ जो है दो वीडियोस आपके अलग से बना रखी है, एक चैप्टर 1-8 एक चैप्टर 9-14। वो आप मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस जाके देखिए और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं उसमें से आपको पेपर में 100% मिलेगा। ठीक है, उसकी कोई ये गारंटी नहीं कि भाई 95-92% कुछ नहीं, आप अगर हमारी वो वीडियो पढ़ के जाएंगे तो उसमें आपके पेपर को मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए हुए हैं मैंने कि जो भाई आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो भाई अब हम इसमें जैसे लिखें कि भाई इफ अ सिस्टम कंटेन्स, या आपने आपको थोड़ा सा लिखाना भी जरूरी है, इफ अ सिस्टम कंटेन्स एन चार्जेस ठीक है q1 q2 q3 डॉट 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 एंड सो ऑन qn, देन द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ठीक है विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है बेटे, विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, बिल्कुल आपको एक लाइन का यहां पर मतलब बताया जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि क्यू बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड सो ऑन प्लस क्यू एन। तो क्यू बराबर हम यहां पे क्या लिख देंगे, समेशन क्या लिख देंगे, वन से लेकर एन तक और क्यू और एन। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। एक बार फिर से हम लोग कह सकते हैं कि भाई अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, बिल्कुल आप ये मत देखिए कि इस टॉपिक को बताने में हमें कितनी देर लग रही है, आप ये जानने की कोशिश करिए कि हमें इस टॉपिक से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, हमेशा ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई टॉपिक को बहुत जल्दी से खत्म कर दें तो ये हम सब कुछ सीख गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टॉपिक को टीचर आपको कोई टॉपिक को एक एक दो दो बार बता रहा है तो अगर आप उसे अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी कि आप उसे अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। अब भाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज अगर हम पढ़े तो भाई मतलब आप इस वर्ड को तोड़िए, एड एड का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना, किसको जोड़ना है भाई, चार्ज को। तो भाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब एडिशन ऑफ चार्जेस। और भाई एडिशन आपको पता ही होगा, मैथ में पढ़े चले आ रहे हैं कि एडिशन हमेशा एल्जेब्रिक ही होता है। ठीक है, ये आपको एल्जेब्रिक ही है। ठीक है, बिल्कुल एल्जेब्रिक मतलब कि इसमें वेक्टर वगैरह यूज ना किए जाए, सीधे सीधे नॉर्मल में लिख दिए जाए। ठीक है, तो भाई हमने क्या कह दिया कि हमारे सिस्टम में एन चार्जेस है q1 q2 q3 देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। जो भाई इनका टोटल सम होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के एडिशन के अकॉर्डिंग होगा। अब ये मैंने यहां पे चार लिखा, ये अगर हाँ समेशन तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमारी जो सीरीज है वो एन तक चलती चली जाती है बिना किसी रुकावट के। ठीक है, एडिशन सीरीज है। ठीक है, और एन तक चलती चली जा रही है तभी हमने यहाँ पर समेशन लगा दिया है। और यहाँ पर आप जो जो वैल्यू पुट करें, जैसे 1 पुट करेंगे तो आपको q1 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे q2 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे q3, 4 पुट करेंगे q4, 5 पुट करेंगे तो q5, ऐसे जैसे आपको टर्म्स मिलते चले जाएंगे। और कैसे मिलते चले जाएंगे, एडिशन में मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस थी, आपकी पहली प्रॉपर्टी थी जिसे बेटा सीधा सीधा कह लेते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब हम लोग दूसरी की बात करें तो दूसरे में हम लोग भाई पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चलो भाई तो अगली हमारी हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कोई कोई मतलब ये भी है कि भाई
इसको जो है एक ही भाई एक ही बार मेरे से बता के कंप्लीट कर दें, तो भाई अगर हम वीडियो को लगभग या एक ही पार्ट में लगभग एक ही मतलब वीडियो में आपको सब कुछ ही बता देते तो लगभग ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं जिससे कि हम लोग वंचित रह जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम लोग बाई टॉपिक जैसे कि क्या है जैसे कोई पार्ट बना दिया, जैसे 3 या 4 या 5 पार्ट तक अगर इसे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, तो क्या है कि हम लोग पार्ट बाय पार्ट उस इंट्रोडक्शन को भी समझ जाएंगे और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी बेटे बहुत करीब है, तो इसलिए प्रेशर वगैरह बिल्कुल नहीं आपको लेना है। जितना भी आप पढ़ के जाना है आपको उतना भी क्या पढ़ के जाना है, सॉलिड पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि हम सब पढ़ लें और जो है फिर हम लिखने बैठे तो हम सब भूल जाएं। तो इसीलिए आपको बस उतना मतलब ऐसा पढ़ना है जिसको आपके दिमाग में बिल्कुल सॉलिड से बना रहे और आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर ले। क्योंकि आपकी आपकी जो होशियारी वो वहां पे नहीं काम आएगी, आपका जो लिखने का तरीका है वही आपको वहां पे नंबर दे। आप कितने होशियार हो, आप कितने भी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो नहीं, लेकिन जब आपके लिखने का रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होगा तभी वो आपको टीचर वहां पे मार्क्स देगा। क्योंकि वो तो आपको जानता है नहीं कि भाई हमारे कौन सा स्टूडेंट है हमारा। तो इसीलिए जैसे जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जितना अच्छा आप लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए भाई टीचर्स आपको हजारों बार बताते होंगे या नहीं बताते होंगे वो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है मेरा मानना यह है कि अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस करें, भले वो लैंग्वेज हो या फिर क्या हो न्यूमेरिकल हो या फिर क्या हो डेरिवेशन हो। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज अगर मैंने आपको बताया आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, दैट्स गुड। और अगर आप हमारा याद करना चाहें हम ऐसा समझ सकते हैं तो दैट्स बेटर। ठीक है, तो आप जैसे चाहें आप इसे वैसे लिख सकते हैं। अब भाई क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताने को हम इसे एक मिनट में बता दें कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज हमारा कंजर्व रहता है। सीधी सीधी बात है, बेसिक सी बात है कि भाई हमारे सिस्टम में अगर चार्ज होगा कोई तो वो क्या होगा, कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब क्या होता है, जिसमें कि एनर्जी का कोई अदल बदल ना हो, हमेशा एनर्जी क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। अच्छा, आप इसे फिजिक्स की भाषा में कह देते हैं कि द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, द टोटल चार्ज, ठीक है, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब इसका पूरा मतलब बताएंगे लाइन बाय लाइन का, वर्ड बाय वर्ड का। ठीक है कि भाई दैट इज, अब इसके आगे हम छोड़ देते हैं, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट। किसमें बताया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया। चार्ज क्या होता है भाई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन। कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज हमारा आखिरी में हमारे जो भी बॉडी है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा अपैरेटस है, उसका जो भाई चार्ज है वो क्या रहे, कंजर्व रहे। ठीक, अच्छा, तो इसमें हम लिखेंगे कि द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कि हमें समझ में आ गया कि भाई किसी भी सिस्टम में हमारा जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए बेटे, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब भाई यहाँ पे आइसोलेटेड वर्ड लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम को अगर हम बेटा बात करेंगे जिसमें मास और एनर्जी क्या रहे, मास और एनर्जी होल में क्या रहे बेटा, कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, आप आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हमारा मास और एनर्जी बेटा आखिरी तक क्या रहे, कांस्टेंट रहे। या फिर हम इसे ऐसा भी सिस्टम कह सकते हैं जो कि सराउंडिंग पे क्या करे, डिपेंड बिल्कुल भी ना रहे। या आइसोलेटेड सिस्टम को ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी दबाव से बिल्कुल भी नाता ना हो, एक ऐसा सिस्टम जो कि क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। और उसके में क्या क्या चीजें कॉन्स्टेंट रहे, मास है, एनर्जी है। दूसरे भाषा में अगर हम कहें कि भाई उसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का सराउंडिंग से कोई भी मतलब नहीं होता, ऐसे हम ऐसे भी सीख सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम इज डिफाइंड एज द, ठीक है, डिफाइंड एज ओनली इट डजेंट मीनिंग इट सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग का इसमें से कोई भी इनका रोल इसमें नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें भी नेट मतलब एक्सटर्नल फोर्स का भी इसमें कोई भी महत्व तो नहीं होता है। तो अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम को मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली सिस्टम भी ऐसे भी से समझ सकते हैं, लेकिन जो मास और एनर्जी इसमें कॉन्स्टेंट रहती है वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, इट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा भाई, तो हमने आपको बता दिया कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कि द टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज
इट मीन्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली अगर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कि भाई हम अगर ऐसा तो मैंने कि भाई ऐसे करके अभी सीधे सीधे चार्ज बनाने लगे या बिजली बनाने लगे तो ऐसा भाई थोड़ी ना है कि भाई ये सीधे सीधे क्या है कि चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं इसका ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी से लेकर अनदर बॉडी तक। तो आप ये सीख लेंगे ऐसा नहीं करके हम बना दे चार्ज ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ चार्ज को हम क्या कर सकते हैं बेटा सीधे सीधे कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम क्या कर सकते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज को क्या कर सकते हैं बेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा इसका एग्जांपल जैसे बात है जैसे कि हम मान लीजिए एक सिल्क रॉड है, ठीक है। तो सिल्क को मान लीजिए हम रब करें, ठीक है। सिल्क जैसे है तो सिल्क अगर हम लोग लिखें तो सिल्क को अगर हम लोग बेटा रब करें तो जितना ही इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बेटा इस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है चार्ज हमारा कब कंजर्व रहता है जब हमारा टोटल चार्ज या नेट चार्ज बेटा क्या हो जाए जीरो हो जाए, ठीक है। Thus the net charge on the rod cell system will be, अब जैसे हम आपको एक मान लें कि अगर भाई जैसे मान लीजिए सिल्क है और एक मैंने आपको क्या बताया ग्लास रॉड है, ठीक है। तो भाई सिल्क पे एक अमाउंट एक टाइम पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ग्लास रॉड पे एक टाइम पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। देन द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी कॉन्स्टेंट, देयर फोर द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो। इट मीन्स दैट चार्ज रिमेन कंजर्व। अगर हम इसे और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो भाई लिखते हैं कि इफ वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क देन अ पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द ग्लास रॉड एंड एट द सेम टाइम इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द सिल्क, दैट्स द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी जीरो बोथ बिफोर एंड आफ्टर रबिंग। मतलब रब करने से पहले तो चार्ज हमेशा जीरो ही होता है, मतलब इनिशियल पोजिशन में तो जीरो होता ही होता है और बाद में भी अगर हमें जीरो मिले तो मतलब हमारा चार्ज क्या है बेटे कंजर्व है। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप इसका सीधे मतलब से भी आप लिख सकते हैं, मतलब ये नहीं है, ये जनरल सी बात है जैसे कि अगर आप एडिशन ऑफ चार्जेस है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है तो इसे आप जो है मतलब थोड़ा सा अगर अपना माइंड में लगाएं तो भी आप इसे लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है आप भाई 6-7 मतलब 9 से पढ़ते हो यार आपको साइंस में पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें थर्ड में आ जाता है बेटा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चार्ज क्यू बराबर एन ए, तो जो हमारा एक चार्ज होता है वो बेटा एक चार्ज हमारा जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। अच्छा इसे हम एक बार लिख के देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाई ई ठीक। जैसे हम यहां पे हमने लिखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट द ऑल थ्री चार्जेस आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कि भाई हमारे जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं एक इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। जैसे क्यू बराबर आपको वैसे हम मान लेते हैं कि भाई एक चार्ज एक बॉडी पर चार्ज क्यू है तो क्यू बराबर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा NE, जहां पर N हमारा बेटा क्या होता है इंटीजर होता है, ठीक है। अभी यहां पे आप जो भी चाहे वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्यू बराबर आप रखते हैं 1E तो भाई यहां सीधे E हो जाएगा 2E 3 तो भाई ये 1 2 3 ये सब इंटीजर्स क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है। तो भाई चार्ज हमारा सीधे सीधे क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, सिंपल सी बात है। भाई अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो E बराबर माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम इतना चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, ठीक है। अगर हम इसे वैसे करके बात करें तो प्लस माइनस सी प्लस माइनस 2E और प्लस माइनस 3। ये आपको सब क्या बताते हैं इंटीग्रल मल्टीपल और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में आपको बताते हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि भाई चार्ज एक क्या होता है तो चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है एज अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो गया। जिसे कि हम टर्म में क्या कह देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
कह देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से, मैंने लगभग आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लेके मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जर ऐसे पढ़ा दिया है जिसमें कि आप कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि भाई जो सेम चार्जेस होते हैं वो भाई रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो ये हमें किसने बताया था, ये भाई एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहां से जी हमको पता लगा था फिजिक्स में कि भाई सेम चार्जेस जो है वो क्या करते हैं बेटे, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक बात आप हमारी बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिए कि आपके जो है नवंबर पूरा लगभग हो ही चुका है, 2 से 3 दिन बाकी है, 4 दिन। ठीक, तो दिसंबर जनवरी फरवरी आपके पास मुश्किल से मुश्किल 3 मंथ है, और फिजिक्स का जो एग्जाम है वो भाई 5 से लेकर 7 मार्च के आसपास हो जाता है, गारंटी है, ये 100% हो जाता है। ठीक, तो आप मान के चलिए आपके पास 3 महीने हैं ये। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, लगभग आपके पास 90 डेज है, 90 डेज सिर्फ, ओनली 90 डेज। ठीक है, तो आप बहुत ही सीरियस होकर पढ़ें। ठीक है, जो आप बेटे पढ़ के जाएं वो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, 14 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, जितने भी आप पढ़ें जिसे आप डिवाइड कर लीजिए 7 और 7 करके, या जो भी आपकी ट्रिक है। ठीक है, और जितना बेटे आप पढ़ के जाएं उतना क्या हो, सॉलिड हो। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा जितना सब कुछ भी उसके अंदर जो भी होता है, मतलब सिस्टम वगैरह या स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है। मतलब जो हम पढ़ के जाते हैं वो हमारे माइंड में हमेशा क्या होता है, बैठा होता है। तो इसे आप बहुत ही पोलाइटली मैं आपको बता रहा हूं कि 90 डेज है सिर्फ आपके पास, और इन 90 दिन में से आपके कम से कम 6-7 दिन तो ऐसे हो जाते हैं जो लगभग निकल ही जाते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए आपके पास 80 दिन है, 10 दिन मैंने निकाल दिए कि ऐसे आप थोड़ा बहुत जो है। ठीक, तो 80 दिन है आपके पास, और आप थोड़ा सा बिलीव करके देखिए, जो हमारे वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 पड़ी हैं वो आपको बेटा मेरे बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही दिमाग लगा के आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, बहुत ही ध्यान से आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, इधर उधर की बातों में आप ना आए। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स है। ठीक है, अगर आप इधर इधर की बातों में आएंगे तो फिजिक्स जो है वो आपको पता है कि बख्शेगी नहीं। ठीक है, 3 सेट आपके भाई बनते हैं, और तीसरा सेट या फर्स्ट सेट अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपके लिए बहुत ही मजा आ जाएगा बिल्कुल फर्स्ट सेट में। और अगर भाई रही बात तीसरा सेट आ गया तो थोड़ा सा लगभग आपको, क्योंकि तीसरे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अगर 2 वीडियो हमारी आप पूरी देखी, उसमें मैंने आपको जब बताया दिया भाई, और कैसे कहें कि आप उसमें से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं भाई। अगर हम इसमें लिखें कि भाई सेम चार्जेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, आप लिख लीजिएगा सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, व्हाई अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, किसी के संग खेल ना करिए, साथ ही साथ अपने संग को बिल्कुल भी नहीं, अपने संग जो है बिल्कुल ईमानदारी से आप बने रहें। ठीक है, जो जो आपको टीचर बताए, अब भाई मैंने आपको बता दिया कि आप चार्ज और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ के जाएं, तो आपको हो सकता है कि भाई बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ जाता है। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं छोटी छोटी, आप उसे बहुत आराम से डिफाइन करके लिख सकते हैं, और जितना आपको ज्यादा पता होगा उतना ही आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये मतलब नहीं है कि भाई हम किसी कंटेंट को छोटा सा बता दें, हम उस कंटेंट में से, या चार्ज है, चार्ज के बारे में बेटा बहुत कुछ सीख सकते हैं। चार्ज के बारे में आपको मतलब चाहे 2 घंटे में अगर बता दें तो भी कम है, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो इसीलिए बहुत ही सिंसियर होकर पढ़िए। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करिए, मतलब अपने आप को बिल्कुल धोखा ना दे कि भाई बस हाँ पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं, बिल्कुल कतई जो है बिल्कुल प्लानिंग के साथ पढ़ें, और जो पढ़ें बिल्कुल सॉलिड पढ़ें।
ठीक है। तो भाई इसमें मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फील्ड्स पोटेंशियल्स, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, और स्टैटिक मींस एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं बेटा सीधे सीधे इलेक्ट्रिक करंट पर। हाँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करें कि भाई इसमें हम क्या होता है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, ठीक है भाई। ये आपने बहुत बेसिक से आपकी डेफिनेशन होती है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, या फिर या ओआर और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब हम आपको अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएं तो भाई द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो भाई अगर हम करंट को यहां पर से लिखें करंट बराबर फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, और अपॉन टाइम, तो भाई करंट को तो हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू ओवर टी, जहां पे अगर हम चार्ज का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आई इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जिसमें कि हम करंट के बारे में पढ़ते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, ठीक है, कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज का रेट द रेट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम यार वो क्या होता है करंट होता है कि अच्छा भाई अच्छा क्या यही एक डिफिनेशन होती है, दो डिफिनेशन होती है वैसे होती है और भी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, कि भाई कंडक्टर में अगर हम लोग चार्ज का फ्लो देख ले तो वो भी क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि कंडक्टर हमारा जो है गुड मतलब कंडक्टर हमारा क्या होता है जो एक अच्छी बिजली उत्पन्न कर सके, ठीक है। वो भी मैंने आपको कंडक्टर भी एक वैसे अगर बताना चाहे तो सीधा सीधा बता दें ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वही कंडक्टर कहलाते हैं, लेकिन कंडक्टर के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया पार्ट नंबर फर्स्ट में, ठीक है बेटे। तो अब इसे हमें लगता है कि जो है इसे मिटा देते हैं, और भाई जैसे कि अगर आपको मैंने बता दें इसे जो है इसकी जो यूनिट होती है वो भाई मेरे एम्पियर होती है, ठीक है, या कूलॉम इसे कह दो, ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो भाई ये कभी कभी आपसे आ जाता है ये कोई एमसीक्यू आपके जो 20 आते हैं तो भाई उसमें आपको पूछ लेते हैं कि चार्ज जो है वो भाई कितना हो जाएगा, कि चार्ज जो है वो आपका जो क्या होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि स्केलर क्वांटिटी होगी और चार्ज के साथ यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है, ठीक है। अब हम आपको इसके थोड़ा सा क्योंकि आप मुझे लगता है नोट्स ही बना रहे होंगे तो वो भी मैं आपको अभी थोड़ा सा इसमें और निकाल देता हूं जिससे कि आपका करंट जो है वो लगभग एक पेज का हो जाए जिससे आपको करंट के बारे में ज्यादा ज्यादा जानकारी मिली जा सके, ठीक है। और तैयारी भाई बहुत अच्छे से अपने करते रहो, जितना ज्यादा ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा ज्यादा आप पढ़े, ठीक है, उतना आपके लिए ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये 3 महीने जो है वो आपकी जिंदगी में कभी भी लौट के नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ते रहें, इधर उधर की बातों पर कोई भी ध्यान ना दें, अपना जो है एक अपना तरीका बस बना लीजिए और उसी तरीके पे अटल रहिए, चाहे अपना तरीका बना लीजिए, चाहे आपके टीचर जो आपको बताते हैं चाहे वो तरीका बना लीजिए, या फिर आप चाहे मेरा तरीका अपना लीजिए कि जितना हम पढ़ के जाएंगे बेटे उतना ही हमें सॉलिड पढ़ के जाना है, ठीक है। और कुछ कुछ तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो कि बेटे आते ही आते हैं, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये तो आपका एक लॉन्ग 100% आना ही आना है, ठीक, क्योंकि मैंने भी भाई क्लास 12 केवी से किया हुआ है, ठीक है, तो पता रहता है कि भाई क्या क्या पेपर में आता है, जो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, मैं ये नाम नहीं लूंगा, आप जिससे भी पढ़ रहे हो, बहुत से टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं दुनिया में, ठीक है, तो उनको पता रहता है कि पेपर में हाँ जैसे कि क्या आ सकता है क्योंकि इतना आइडिया इतना एक्सपीरियंस उन्हें होता है। और अगर मैंने बता दिया कि गॉस लॉ एप्लीकेशन है गॉस लॉ से रिलेटेड पेपर में आना है तो 100% आना है, उसमें वो कोई ये नहीं होता है कि हाँ 90% आ सकता है 96% आ सकता है, नहीं, 100% का मतलब होता है 100%,
मतलब बिल्कुल श्योर है कि गॉस 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 से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि बेटे आपके आते ही आते हैं, प्रिज्म वगैरह है आपका आता ही आता है, ठीक है। वो कह रहा हम थोड़ा हट गए अपने टॉपिक से, अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है, इफ अ कंडक्टर, हमने मान लिया कि भाई हमारे कंडक्टर में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू बराबर भाई ई। अगर हम लेकिन हमने यहां पे कितनी बात करी, हमने एन की बात करी है, क्यू मतलब चार्ज, ई मतलब क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई कितने, क्यू बराबर एन ई। तो ए आप यहां से जैसे मैं आपको डेफिनेशन बताया था, आप यूनिट वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। अब भाई लेकिन आई बराबर क्या होता है बेटे, क्यू अपॉन टी होता है, और क्यू का आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए एन ई अपॉन टी, तो एन ई बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आई और टी, और एन ई का आप यहाँ पे लगा दीजिए आई और टी, आपका क्यू बराबर आई टी आ गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंस क्यू बराबर आपका क्या होता है बेटे, एन ई होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई अगर हम यहाँ पर से एन की वैल्यू निकालें आई टी है बटे ई, तो भाई यहाँ पर अगर हम कह दें, यहां पे अगर हम कह दें कि I बराबर जो है वो 1 एम्पियर है, ठीक है, T बराबर 1 सेकेंड है, और E बराबर क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आपका यहां पर है, तो बताओ भाई मेरे क्या होगा, ठीक है। जब आप यहां पर इन सब की वैल्यू रखेंगे, अगर हम कह दें कि भाई N बराबर आई टी अपॉन ये, आई बराबर 1 और करंट का मतलब होता है एम्पियर, तो उसके ऐसा यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी, टाइम के ऐसा यूनिट सेकंड होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के साइड में क्या होती है इलेक्ट्रॉन के, क्या हो गया कूलम हो गया, तो 1.6 × 10⁻¹⁹। अब आप यहां पर बेटा सबकी वैल्यू रख दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा, यहां पर आई की वैल्यू 1 रख दीजिए, टाइम की वैल्यू 1 रख दीजिए, अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। हाँ, तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आपका आ जाएगा 6.25 और 10⁻¹⁸, ठीक है, 10⁻¹⁸ आ जाएगा, जो भी आपका है आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या होती है 6.25 10⁻¹⁸, ये आपका क्या आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है आज मैंने इस वीडियो में आपको लगभग बहुत मतलब टॉपिक तो भले मैंने आपको लेके दो ही पढ़ाए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा दिया, ठीक है, और थोड़ा फर्स्ट पार्ट का बता दिया, और आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, कंडक्टर वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दिया, लेकिन हाँ आपको मैंने इस बॉडी में कुछ महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, ठीक है, जिससे कि आप जो है बहुत अपना जो है मतलब बहुत आपको इंपॉर्टेंट बातें पता लग गई कि आप अपनी कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम आपको जो है जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे, जाते जाते हम आपको थोड़े से इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। कि फिजिक्स में बेटा आपकी दो बुकें हैं, एक है फर्स्ट बुक है और एक आपकी सेकंड बुक है। सेकंड बुक में अगर हम बात करें, एक मिनट रुक जाइएगा बस, रे ऑप्टिक्स हाँ, और ये वेव, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल एक रामबाण जो होता है बस बिल्कुल वो बता रहे हैं, आप बहुत प्लीज ध्यान दे लीजिए, बस मेरी इतनी सी बात था। जो ये आपका रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है ये बेटा थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लगभग हम मान सकते हैं कि भाई इसमें यहां थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, डायग्राम वगैरह प्रिज्म है, जो कि इसका डेरिवेशन थोड़ा टफ माना गया है और वो आ जाता है, ठीक है। तो भाई रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बहुत मजा आएगा आपको समझने में हाइगेंस पोस्टुलेट के बारे में उसमें बताया गया है। तो मेरे बेटे आप सेकंड बुक के, अगर आपने सेकंड बुक के ये दो चैप्टर्स बिल्कुल रामबाण तरीके से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आप ये फॉलो कर लीजिए, आप रे और वेव ऑप्टिक्स को प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, एक एक टॉपिक के बारे में उसके बारे में जैसे चाहे आप याद कर लीजिए, जैसे चाहे आप अपने जिस टीचर से पढ़ रहे हो उनके नोट से आप जैसे जैसे समझ लीजिए प्लीज, ठीक। इतनी बात आपके समझ में आ गई, एक ये चैप्टर हो गया आपका, एक ये हो गया। उसके बाद जो आपका तीसरा चैप्टर आ जाएगा, हम सभी यहां लिख दे रहे हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से शायद सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, और भी जैसे हैं रे वेव एटम न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक और पीएन जंक्शन डायोड। अगर आपने मेरा कहने का मतलब ये सार समझिए और उसे अपने माइंड में आप बिल्कुल बैठा लीजिए, अगर आपने ये दोनों चैप्टर फिजिक्स के
अगर अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लिए और बाकी ये चैप्टर बहुत ही इजी है, एटम्स, न्यूक्लिया, ये सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है, ये बच्चों बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और कुछ ही टॉपिक्स हैं जो कि इसमें आते ही आते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज वगैरह आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप बेटे इन दो टॉपिक को अगर आपने कर लिया तो लगभग आप मान के चलिए सेकंड बुक पर आप अपने बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा रामबाण है क्योंकि ये दो ही टॉपिक बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, ये बच्चों शॉर्ट चैप्टर है, तो आप इन मतलब जितना जल्दी आप इसको कंप्लीट करेंगे उतना ही आपके लिए आगे फायदा होगा। लेकिन जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें लगभग अगर आप आखिरी वाला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अल्टरनेटिंग करेंट, ये बस आपके ये दो छोटे चैप्टर है और बाकी आपके जो चैप्टर्स आ गए हैं कि 1 से लेकर 6 तक वो आपके बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स है, ये भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको मैंने बता दिया अगर आप सेकंड को पहले करना चाहें सेकंड कर लें, फर्स्ट चाहें आप फर्स्ट कर लें। फर्स्ट में लगभग आपको दो चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है दो चैप्टर आपको छोटे मिलेंगे, लेकिन जो आपकी सेकंड बुक है अगर आपने दो चैप्टर पूरे कर लिए तो आपकी एक बुक हो जाएगी, और एक बुक का एक बुक करने का मतलब 50% आपकी समस्या दूर हो गई है। तो बेटे मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये था, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वीडियो जो हमने आपकी जो बनाई हुई है तो वो आप थोड़ा सा देखिए, पहली वाली वीडियो में थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी सी आवाज आ रही है, लेकिन आप उसे बहुत ध्यान से अगर सुन लेंगे तो आपको उसमें से बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटे। आप उस पर ये ना जाइए कि हम दो वीडियो में हमने बस इतना ही पढ़ाया इतनी देर में, तो आप इन पे समझ इस पे बिल्कुल भी ना जाइए, आपको जो इसके में कंटेंट बताया गया आप उस पर ध्यान दीजिए, जो आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ाए गए उस पर ध्यान दीजिए, और कोई सी भी अगर आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज हम उससे पूछ सकते हैं, आपको फिजिक्स से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप जो आप मुझसे चाहें वो पूछ सकते हैं। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो मेरे, और चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मौज करो, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, थैंक यू सो मच, मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, बाय बाय।